की तरह जी हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब उस्ताद आदाब बट ऑफ कराची, और इंशाल्लाह वो कुछ कबूतरों का आपको शौक करवाएंगे। मैं जाऊंगा बिहाइंड द कैमरा, तो आ जाइए चलते हैं। ये पहले नहीं हो सकता, यहाँ आ जाओ। आ जाता हूँ भैया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को और भाइयों को, अस्सलाम वालेकुम। और आज बहुत तकरीबन 4 या 5 साल बाद मैं अपना दोस्त भी है और दोस्त नुमा शागिर्द भी है मोहम्मद उस्मान भाई। मोहम्मद उस्मान भाई आइए, ये हमारे दोस्त भी हैं और छोटे भाई भी हैं। तो 4-5 साल पहले इनके पास टैडी कबूतरों के कुछ पेयरिंग करके गए थे हम। तो अब ये जो है इनके काफ़ी जगह पे बच्चे बच्चे जाके काफ़ी उड़े हैं पंजाब में, तो इनकी छत को रीसेट करने के लिए आए हुए हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो इनकी बना भी दी जाए, कुछ टैडी कबूतरों का शौक भी करवा दिया जाए। और मेरा ख्याल है, उम्मीद भी है कि आप लोगों को पसंद आएंगे। कुछ मैंने चुन के थोड़े से कबूतर अलग किए, नर मादियाँ कुछ अलग किए जिनका शौक करवाएंगे आपको। तो उस्मान भाई मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह नरों से की जाए, तो साहब भाई थोड़ा सा अंदर आ जाए ताकि इनको व्यूअर्स को ना कबूतर दिखा के छोड़ के भी शौक करवाए। अंदर वीडियो चले, ठीक है चले, ठीक है जी। जी जी उम्मीद है कि आप लोगों को शौक का मजा आएगा। थोड़ा सा जो आज तंग किया और शाह भाई ने नया मोबाइल लिया, महंगा ले लिया, उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो पहले आपको एक कबूतर का ये शौक करवाते हैं, ये नरपट्ठा माशाल्लाह इनका। आप इधर आ जाए और इसके थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। ये अभी पहले साल के पट्टे हैं और आप मुझे भी देखें और मेरा भी आई क्लोज अप देखें। इस कुर्सी को थोड़ा करीब कर दो, बल्कि हाँ जितना करीब कर सकते हो, बल्कि इसको अंदर ही ले आओ जी। तो हम ये दिखा रहे थे आपको टैडी कबूतर, माशाल्लाह तकरीबन 50 लोग हमें देख रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का जो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखें भी, लाइक भी करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कैसे लगे ये कबूतर। और आज ये परवार परवर की एक वीडियो है, कुंडा भी देखें माशाल्लाह, चौड़ाइयाँ देखें आप। वरना आजकल के टैडी जितने भी आ रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक परों के हैं, जिनमें परवार की इतनी सलाहियत नहीं है। अभी कुरेज में है कबूतर, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आएगा देखने में। ये इनके नाखून पंजे, और अभी ये छोड़ के भी दिखाएंगे आपको इधर, ताकि आपको थोड़ा ये इनका ये। अच्छा, ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे लाजमी बता दीजिएगा। खाने के वीडियो थोड़ा कलर कर रही है, जी जी दूसरा भी शॉप करें कबूतर का सही है जी। अब ये देखें आप इनकी पलके भी देखें, बिल्कुल ऑरेंज पलके हैं जिनको हम संदूरी बोलते हैं, संदूरी पलक, संदूरी चोंच, सबस गाता है इनका। चेहरा मोरा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हल्का सा देखें अंदर गुलाबी जो प्याजी डोरा है वो इस कबूतर की वापसी का भी बता रहा है कि ये टैडी फैंसी नहीं है। फैंसी होते तो मैं शायद खुद नहीं दिखाने आता हूँ, तो परवाजी हैं तो फिर मुझे खुद शॉप करवाने का बड़ा मज़ा आता है। क्या भी कुंदा देखें आप, बारिशें कराची में नहीं रुक रही जिसकी वजह से सीधे बंद होने की फ्लाइट है इनमें। और दोनों का बैलेंस भी देखें, नाखून पंजे सब देखें, मजबूत कबूतर है माशाल्लाह। और ये छोड़ा दूसरा भी, इनके चाल चलन भी अच्छा है, मतलब किरदार के भी अच्छे हैं। अच्छा
ये इनकी ये ब्लड लाइन मेरे को बहुत पसंद है इनकी, उस्मान भाई की ये वाली ब्लड लाइन। सादी आंख के कबूतर है, पुराने जो सादे टैडी होते थे, अब ये कबूतर है छाओ में, तो छाओ की वजह से चोंचे थोड़ी सी इनकी कच्ची हो जाती है। आंखों की चमक देखें, मादी और सादी तो पकड़ी आपने, मजबूत पक्की चोंचे, रंगत भी अच्छी। ये पुराने जो असल टैडी सादे टैडी हुआ करते थे, ये वो सादे टैडी हैं, और ये जरा से काले पल्ले आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं सलारा आ गया। नहीं, सलारी ब्लड लाइन वक्री है। ये भी देखे टिकेंगे नहीं, बस ये टिकेंगे। जी नवीद बल्दिया भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी। इनको चौधरी साहब तो बना के थक गए, अब चौधरी जिसको देखो ये चौधरी वाला है, लेकिन हो सकता है ये चौधरी वाला हो, लेकिन ये घर के ही बच्चे हैं और ये खुद ही बनाए उसे पहले। अब इनके रिजल्ट जिधर भी गए, ये वाले खास तौर पे कबूतर, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा, और ये है सलारे, बहुत जबरदस्त कुंदा है, इनको सलारे बोलते हैं। अब ये अपनी जैसे जैसे एज करेगा, अभी दसवीं कली नामी कली में ये पल्ले अपने लगा जाएगा सारे, ये 10 के 10 पल्ले लगा देगा, तो छापों के बगैर। अब ये देखो पूरे पल्ले लगे हुए ना, तो हम इसको सलारा बोलते हैं, ऊपर छाप नहीं है, बहुत कम है, और पर इसके काले हैं, तो इस काले परों की वजह से इनको सलारा बोला जाता है। तो अब इसमें हमने कबूतर जो लोगों के मर मर आ जाते हैं ना, उनकी ये गेड़ियाँ डाली हैं लाहौर वाली, मुझे बच्चा शुरू से बड़ा पसंद था ही, तो इनके चाल चलन भी अच्छे हैं और मजा भी आएगा आपको देखते हुए। अभी सिर्फ नारी नरों का शौक करवा रहा हूँ, फिर थोड़ी सी मादियों का भी शौक करवाऊंगा। ये मरकरी आंख ये होती है, देखे शाह भाई, एक मिनट, ये थोड़ा खड़े हैं अच्छे अंदाज में, सारे ही ऐसे खड़े होंगे शाह भाई, सब ऐसे खड़े होंगे, खड़े हमें मौजूद, तो इनको दिखा देता हूँ। सब पहले दस्ते के पट्टी पट्टे हैं। अब ये देखें, ये मेरे को आंख सबसे अच्छी लगती है, बिल्कुल सादी, कोई रिंग नहीं, कोई वो नहीं, असल आंखें यही होती हैं, बिल्कुल सादी, काले नूर के बराबर एक रिंग, ये क्वालिटी वाले कबूतर होते हैं और इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। आंखों रशीम को दिखाएं वाले करके, बाकी जिसने देखने होंगे वो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी बड़ा करके देख सकता है। सादी पत्ती के ऐश सर, सबज पत्ती, हल्की सी ऐश छाप, कुंडे वही माशाल्लाह खूबसूरत सीधे हल्के से कर्व वाले, दुमे बंद इनकी, ये नाखून और पंजे, और ये जब ये चलते हैं तो और बहुत खूबसूरत लगती है। चल मेरा बच्चा, ये हाँ नहीं, बच्चे भरा रहे कबूतर जो छोड़ा है अभी, नहीं जोड़ों वाले कोई नहीं है, यंग है सारे, यंग है। अच्छा, फिर उसने मैं खड़ा अपने बिरयानी शिरानी को खिला दिया जुम्मे के दिन ना, थोड़ी चिकनाई हो रही है। ये पहले दस्ते का पट्टा है और ये बड़े सर वाले कबूतर है, ओजरी पलक हो जाएगी इसकी और थोड़ी सी पीछे से चोंच पिलाहट मारेगी, और ये फटा फटा ऐसा रहता है, ये ब्लड लाइन जो है ये फटे फटे से, हम इसको फटावा बोलते हैं ना। इनको पैक किया जा सकता है, इनको किया जा सकता है, लेकिन असल असल होता है शाह भाई। आप देखें बगल में, देखें किधर जा रहा कुंडा माशाल्लाह ना, और दोनों का बैलेंस भी चेक करें, ये अभी कुरीज में है लेकिन फिर भी अपना बैलेंस इन्होंने रखा हुआ है, और ये देखें, और ये जो ब्लड लाइन आ रही है ना, ये मेरी
अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। माशाल्लाह शाहिद कुवैती मरहूम साहब की ये ब्लड लाइन है और इसको मैंने बहुत बहुत मानी हुई छत पे भी इनके बच्चे मैंने उड़वाए, तो 4:30-5 की इनकी परवाज आई है वहाँ। क्या हो गई फिर आँख क्यों नहीं दिखा रहे, शर्मा के बहुत ज़्यादा वाइट है ना इस जी 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 बंद है बंद है वाइट बंद माशाल्लाह। इसकी पकड़ में जो मज़ा है ना बहुत शानदार कबूतर है। ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्लड लाइन है। ये बीच अच्छा, में जीरे मारते जीरे मारते हैं वो हाँ, मैं कहने लगा था आपने। ये जीरे मारते हैं शायद कोई पिशाब वाले जो कबूतर है ये बीच में जीरा भी मारते हैं और यही इसी ब्लड में ये दूसरा भाई है। एक ही झोल के उस्मान नहीं, नहीं 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 आगे पीछे आगे पीछे बहुत पक्की चोंचों के कबूतर हैं। थोड़ी खूबसूरत लंबी जो आजकल हैं चोंचे वो यही चोंचे हैं और लेकिन फैंसी नहीं है ये इनकी क्वालिटी में बहुत अच्छी है। ये फैंसी ब्लड लाइन नहीं कुंडा एक उसे ऊपर चढ़े हुए कबूतरों के ये पा रहे हैं लेकिन कुरीज में होने के बावजूद देखें कि बड़ी पत्तियां नहीं है स्पोर्टिंग पर नहीं फिर भी इनका पल्ला जो है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ ये बहुत अच्छी बात है इनकी। सलीम जावेद भाई नंबर लिखा है इनका यहाँ पे अब ये अगर आप कमेंट देखेंगे तो चलता हुआ देखें आप सारे कबूतर आपको चाल चलन के करेक्टर की ये मैंने यानी चुन के निकाले अपनी पसंद के कुछ कबूतर ना कि आप लोगों को शौक करवाया जाए अच्छा शौक करवाया जाए तो थोड़े से सर पर अभी हो गए वो निकाले ताकि कबूतरों के पर दिखाने में भी सादी आंखें होंगी कोई फैंसी नहीं है आंखें ना बोस की और क्रीम और ऐसी नहीं। ये मादी पट आ गई है बीच में ये नरों में छोड़ी थी तो वो मादी बन गई। टैडी कबूतर जो है इसकी नर मादी बहुत मुश्किल है समझ आना ना। अभी ये देखे 10वीं कली लगी है और दुम का बैलेंस वैलेंस सब अच्छा है पैर के मजबूत और चाल चलन के भी अच्छे कबूतर है माशाल्लाह। अब चलते हुए आपको खुद ही मजा आ रहा होगा ये जब अपने ये मोर की तरह ऊंट की तरह रागर